हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 10% की मूवमेंट के साथ आज एक अच्छा क्लोजिंग यहां आप देख रहे हो। आज के दिन हम वोडाफोन आइडिया की बात करने वाले हैं। रिसेंटली कंपनी ने लास्ट 2020 में एक कैपिटल एक्सपांजन के लिए शेयर होल्डर से अप्रूवल ले ली गई थी। अब FDI को भी मंजूरी मिलने का पूरा उम्मीद हो रहा है। सो बेसिकली आने वाले टाइम के अंदर विदिन ए 1 or 2 days पीरियड FDI को भी मंजूरी मिल सकती है और आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया के अंदर 5000 से लेके 7000 करोड़ तक का QIB प्लानिंग हो सकता है। सो बेसिकली 20000 करोड़ के लिए कंपनी ने सितंबर महीने के अंदर परमिशन शेयर होल्डर से ली गई है। आज की डेट में आप देख सकते हो वोडाफोन का जो मार्केट है वो 30000 करोड़ के नियर हो चुका है। सो बेसिकली ये एक ओलिगोपोली बिजनेस है जहाँ तीन प्लेयर एग्रेसिव वर्क कर रहे हैं, भारतीय एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन आइडिया। BSNL का अभी जो क्लाइंट बेस है वो स्लोली रिड्यूस होके जा रहा है। सो बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो जो क्वार्टर का रेवेन्यू आ रहा है 10000 करोड़ के प्लस दिखने को मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 72% दिखने को मिलती है। सो यहाँ आप फ्री फ्लोट मार्केट कैप देखते हो तो सिर्फ 8000 करोड़ के नजदीक दिखने को मिलता है। अब हम बात करें वोडाफोन आइडिया की चार्ट की तो यहाँ आप देख सकते हो आज के दिन जो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ 20 करोड़ इक्विटी डिलीवरेबल आज के दिन हुई है और एक बड़ी कैंडल के साथ एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिखने को मिल रहा है जो कि 200 DMA यानी 9 DMA से भी ऊपर आज की क्लोजिंग दिखने को मिल रही है। अब ये चार्ट में हम नजर करते हैं तो आने वाले टाइम में एक जो 13 के नजदीक एक रेजिस्टेंस बन सकता है उसके पार एक बार जो हो जाता है यानी क्लोजिंग एक बार हो जाता है सो 14 एक बार क्रॉस हो जाता है तो आइडिया का सीधा सीधा टारगेट बन जाएगा 24-25 रुपीस के अराउंड। सो बेसिकली जो एक चार्ट में हम बात करते हैं तो एक अच्छा खासा मतलब स्ट्रक्चर नज़र में आ रहा है, एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी दिखने को मिलता है। उसके साथ हम सपोर्टिंग फैक्टर्स की बात करें तो बेसिकली आज के दिन 20 करोड़ की डिलीवरेबल वॉल्यूम देखने को मिल रही है जो कि ये एक बहुत बड़ी मतलब 28 मार्च के बाद ये एक बहुत बड़ा वॉल्यूम हम माना जा सकता है। सो 3 जून के दिन भी 11 करोड़ की डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिली थी। सो बेसिकली ऑन एन एवरेज 4-5 करोड़ की डिलीवरी डेली बेसिस पे आइडिया में देखने को मिलती है बट आज 5 गुना इक्विटी इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। सो यहाँ आप ऑप्शन चेन में नज़र करते हो तो मतलब कमिंग मंथ का हम ऑप्शन एनालिसिस 29 जुलाई का देखते हैं तो ऑलरेडी अभी ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया है। कॉल साइड आप देख सकते हो 2300 लॉट का वॉल्यूम आज की डेट में दिखने को मिलता है और पुट साइड सिर्फ 800 लॉट का वॉल्यूम दिखने को मिलता है, ओपन इंटरेस्ट दिखने को मिलता है। सो कहने का मतलब आने वाले टाइम में आइडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर करंट मंथ के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में फ्यूचर में आज 1.62 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग होता हुआ दिखने को नजर आ रहा है। उसके सामने आप 29 जुलाई के दिन का डेटा देखते हो तो आज के दिन 10 करोड़ का नया ओपन इंटरेस्ट जुड़ गया। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो बड़े लोग हैं उसने आज 65% ओपन इंटरेस्ट नेक्स्ट मंथ में इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आज से मतलब एक्सपायरी के 3-4 दिन पहले ही इसमें रोल ओवर होना स्टार्ट हो गया है और आने वाले टाइम में आइडिया के अंदर हमको 5x से लेके 10-15-20x तक का भी रिटर्न आने वाले 5 साल के अंदर दिखने को मिलता है। बट इन ए शॉर्टर टर्म्स आइडिया का अभी फिलहाल टारगेट बन रहा है 13 का, 14 क्लोजिंग बेसिस पे उसका टारगेट सीधा हो जाएगा 24-25 रुपीज़ का। सो मेरे हिसाब से एक अच्छी बेट आज की डेट में वोडाफोन आइडिया में बन रही है। ये मार्केट कैप पे आप देख सकते हो कि एक अच्छी कंपनी हमको दिखने को मिलती है। हम स्क्रीनर पे भी उसके नज़र करते हैं तो आने वाले टाइम में QIB को लेकर अभी जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से कंपनी को एक अप्रूवल मिलने वाली है जो एक बार ये प्रोसीडिंग आगे हो जाती है तो कंपनी को एक अच्छी खासी फंडिंग भी मिल जाएगी और इन्वेस्टर से भी काफ़ी हद तक उसकी बात अभी चल रही है। सो बेसिकली आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर जो हम बात कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हो एक इंटरेस्ट का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ईयर 17,000 करोड़ का इंटरेस्ट आज की डेट में आइडिया
की कंपनी में से जा रहा है। सो बेसिकली आप देख सकते हो ईच एंड एवरी क्वार्टर 4500 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। सो बेसिकली एक बार जो ये फंड रेजिंग प्लान अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद ये पर्टिकुलर जो कंपनी है उसमें एक अच्छा खासा मूव दिखने को मिलेगा। एफआईआई का जो कांस्टेंट होल्डिंग है वो डिक्रीज होते जा रहा है, जिसको लेकर एक प्राइसिंग में स्टेबिलिटी हमको देखने को नहीं मिल रही है। सो वोडाफोन आइडिया में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इज लाइकली टू गिव इट्स नोट विद इन अ 1 or 2 days टू ब्रिंग द कंपनी और एफडीआई कैन बी अप्रूव्ड विद इन अ नेक्स्ट वीक। सो बेसिकली जो ये दो फंक्शन ये पर्टिकुलर कंपनी में अप्लाई हो जाता है तो कंपनी इज लाइकली टू QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट टू लॉन्च सून, प्लानिंग टू रेज 5000 to 7000 करोड़ अमाउंट। सो बेसिकली एक बार जो प्रोसीड हो जाता है तो ये पर्टिकुलर शेयर्स में 25 से 30% की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बेसिकली हम चार्ट में ब्रेकआउट देखते हैं इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के साथ। सो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये पर्टिकुलर शेयर्स का जो 14 को एक बार ये प्राइस क्रॉस हो जाता है तो हम उसका जो एक टारगेट है एक बड़ा लेवल पे यानी 5, 10, 20x तक का भी इसमें हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 4-5 साल के अंदर अंदर। सो बेसिकली एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान हो सकता है। 20,000 करोड़ का ऑलरेडी शेयर होल्डर से अप्रूवल मिल गई है। सो आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आइडिया वोडाफोन के अच्छे दिन आ सकता है। ये बेसिकली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया हुआ है। सो आपको इसमें निवेश करना है तो आप अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट को अप्रोच करके आप इसमें निवेश कर सकते हो। बेसिकली एक पेनी स्टॉक्स है। सो बेसिकली मैं आज के दिन आपको जो आपका पोर्टफोलियो साइज है उसका मैक्सिमम 2 से लेके 3% तक का आप यहाँ निवेश कर सकते हो और आने वाले टाइम में अच्छे खासा मल्टीपल रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर होप के साथ हम आज का यह वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।